तो दिस क्वेश्चन नंबर 90 जिसमें दिया गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन विच द पॉइंट सी माइनस टू अपॉन सेवन एंड माइनस ट्वेंटी अपॉन सेवन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए टू माइनस टू कॉमा टू एंड बी टू कॉमा माइनस फोर। लेट ये है अपना पॉइंट ए और ये है अपना पॉइंट बी, ठीक है। तो ए है माइनस टू कॉमा माइनस टू और बी है टू कॉमा माइनस फोर, ठीक है। यहाँ कहीं बीच में होगा सी, ठीक है, जो होगा माइनस टू अपॉन सेवन कॉमा माइनस ट्वेंटी अपॉन सेवन, ठीक है। अब ये सी पॉइंट लेट के रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, तो ये हो जाएगा टू के माइनस टू अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन सेवन, ओके। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस टू इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू टू के माइनस टू इंटू सेवन, ठीक है। तो इसमें से आप टू कॉमन ले सकते हो, तो टू कॉमन लेके काट देना, तो यहां बचेगा माइनस के प्लस वन इज इक्वल टू सेवन इंटू के माइनस वन, ठीक है, या फिर के प्लस वन इज इक्वल टू सेवन और इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो ये हो जाएगा वन माइनस के। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा के प्लस वन इज इक्वल टू सेवन माइनस सेवन के, यहाँ से एट के की वैल्यू आ जाएगी सिक्स, ठीक है, एट के की वैल्यू आ जाएगी सिक्स और के की वैल्यू आ जाएगी थ्री अपॉन फोर। तो अपना रेशियो क्या हो गया था, के रेशियो वन था ना, तो यहाँ पे के की जगह अगर मैं थ्री रखूंगा, थ्री अपॉन फोर रखूंगा, थ्री अपॉन रेशियो वन, तो अपना रेशियो कितना आ जाएगा, थ्री रेशियो फोर, ओके। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।